अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दोस्तों, अमरीकी खिलाई कंपनी चार गैर पेशावर खिलाबाजों को खिला में भेज रहा है। चार गैर पेशावर खिलाबाजों के खिला से पहली बार तस्वीर जारी की गई हैं, जिनमें वो अपनी सियाहत के दौरान खिला से जमीन का नजारा कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाएं, क्योंकि मैं हर वक्त आप लोगों को खिलाई मालूमात देता रहूंगा। दोस्तों, चार आम शेरी अपनी परवास के दौरान खिला में तैरते हुए दिखाई दे रहे हैं और नीचे सैयारे पर अपनी गाड़ी की बड़ी गुंबद वाली खिड़की को देख रहे हैं। हाल ही में अरबपति कारोबारी शख्सियत रिचर्ड ब्रांसन और चीफ बेनरोस की जानब से खिला में की गई परवाजों के बाद ये ऐसी तीसरी परवाज है जिसमें पेशावर अफराद के बजाय शौकीन अफराद के लिए पैसे देकर जमीन के मदार में जाने की ख्वाहिश पूरी कर रहे हैं। इस परवाज के लिए फंडिंग अमरीकी अरबपति जीरड आइजेक मैन ने की है, जो खुद भी इस सफर का हिस्सा हैं, और इनके अलावा अमले के तीन अफराद क्रिस सेम्ब्रोस की शान प्रोक्टर और हिलियर्स नॉक्स शामिल हैं। जीरड आइजेक मैन के साथ इस सफर में एक डेटा के शोबे के माहिर, एक साइंस के उस्ताद और एक सेहत के शोबे से ताल्लुक रखने वाला फर्द शामिल हैं। इन चारों ने खिला के लिए अपने सफर का आगाज बुध से किया था। ये सब पहली बार अपने जोक की वजह से एक तजारती मिशन पर मदार में गए हैं। इस अमले को सफर पर ले जाने के लिए रॉकेट ड्रैगन को अमरीकी अरबपति एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ने बनाया है। उनको उम्मीद है कि इस सफर से वो दूसरों को मुतासर कर सकती हैं और बच्चों में होने वाले कैंसर के इलाज के लिए रकम जमा कर सकेंगे। इस मिशन को एक्सप्रेशन 4 का नाम दिया गया है। कैलिफोर्निया की फोरम ने अपनी ड्रैगन परवाजों में से एक का इंतखाब किया। जवान खिलाबाजों को 590 किलोमीटर तक बुलंदी पर ले जाएगी। यह बैनुल-अक़वामी खिलाई स्टेशन से भी तकरीबन 160 किलोमीटर आगे है और मशहूर हबल खिलाई दूरबीन से भी 50 किलोमीटर बुलंदी पर मकाम है। खिलाई सफर शुरू करने के बाद अमले के सरगर्मियों के बारे में मालूमात जारी नहीं की गई हैं। इन चारों पर एक खसूसी नेटफ्लिक्स दस्तावेजी फिल्म भी बन रही है। बताया गया है कि वो सब ठीक हैं और अपनी बेवजनी की कैफियत के आदि हो गए हैं और कुछ साइंसी तजुर्बात भी कर रहे हैं। वो कुर्रे ज़मीन पर मौजूद अपने ख़ानदान और दोस्तों के साथ रबते में हैं और मैम फेमस टेंसी के सेरेट जोड चिल्ड्रन रिसर्च हस्पिताल में मरीजों के साथ उन्होंने सवाल व जवाब का सेशन भी किया है। जीरड आइजेक मैन ने इस सफ़र पर जाने वालों के लिए शर्त रखी थी कि वो इस सेनेट जोड हस्पिताल को चंदा दें और चंदा देने वालों के नाम की लाटरी निकलेगी और जीतने वालों को इस सफ़र के लिए मुंतखब किया जाएगा। क्रिस सेम्ब्रोस्की ने भी इस चंदे में हिस्सा लिया लेकिन उनका नाम नहीं निकला, लेकिन शो में किस्मत के जीतने वाला शख्स उनका नाम अपना ही एक दोस्त था जिसने अपनी टिकट क्रिस सेम्ब्रोस्की को दे दिया। अलबत्ता दूसरी जानब चंद नाकदीन का सवाल है कि ऐसी खिलाई परवाजों का जमीन पर माहौलियती एतबार से क्या असर पड़ सकता है। इस हस्पताल में आर्स नॉक्स का एक मुआवन मुआलज है जिनका वहां 10 साल की उम्र में हड्डी का कैंसर के तौर पर भी इलाज किया गया था। आइजेक मैन को यह उम्मीद है कि इंस्पिरेशन 4 फ्लाइट से मुतालिक पाई जाने वाली दिलचस्पी उन्हें सेंट जॉर्ज अस्पताल के $200 मिलियन इकट्ठा करने में मदद दे सकती है। ये चार गैर पेशावर खिलाबाज हफ्ते के अख्ताम पर जमीन पर वापस आने वाले हैं। वापसी के सफर में यह रॉकेट बहर ओकियानूस में इसी मुकाम पर उतरेगा। यह खिलाई सियाहत में एक और संग मील साबित होगा जिसका तजुर्बा एक दहाई के वक्फे के बाद दोबारा किया जा रहा है। तमाम बरस उसमें गर्मा के आगाज में अरबपति ताजर रिचर्ड ब्रांसन और चीफ बेनरोस खिलाई गाड़ियों में खिला में गए थे। आइंदा महीनों में ऐसे सफर आप लोगों को भी देखने को मिलेगा। इसी के साथ हम अपनी वीडियो का इख्तिताम करते हैं। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।